ऋषभ पंत या संजू सैमसन, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का विकेटकीपर कौन होगा, इस पर खूब चर्चा हो रही है। वर्ल्ड कप से पहले इकलौते वार्म अप गेम में संजू ने ओपन किया लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, जबकि नंबर 3 पर आए ऋषभ पंत ने कमाल की पारी खेली। पंत ने 32 गेंदों पर 53 रन बनाए और इस पारी के बाद बैटिंग ग्रेड सुनील गावस्कर ने स्पष्ट कर दिया कि इस इवेंट में भारत का विकेटकीपर कौन होगा। नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मैच में रोहित शर्मा और संजू सैमसन ने ओपनिंग की। देरी से पहुंचने के चलते विराट कोहली इस मैच में नहीं खेले थे और इसी के चलते सैमसन को ये मौका मिला। IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहतरीन खेल दिखाने वाले संजू को यशस्वी जायसवाल पर वरीयता मिली लेकिन वो नाकाम रहे। संजू 6 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर LBW हुए, जबकि नंबर 3 पर उतरे पंत ने रिटायर होने से पहले भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेल दी। और इसके बाद गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि अगर आप विकेट कीपिंग की बात करेंगे तो ऋषभ पंत सैमसन से बेहतर हैं। हम यहाँ बैटिंग की बात नहीं कर रहे, बैटिंग भी जरूरी है लेकिन ऋषभ पंत ने बीते कुछ मैचेस में बहुत कमाल की बैटिंग की है। जबकि दूसरी ओर संजू सैमसन ने IPL सीजन की बेहतरीन शुरुआत की थी, मनचाहे अंदाज में रन बनाए, मैदान के चारों तरफ गेंद को मारा लेकिन आखिरी के 2-3 मैचेस में उनके बल्ले से रन नहीं आए, इसलिए बांग्लादेश के खिलाफ वाला मैच उनके लिए मौका था। अगर उन्होंने 50-60 रन बना दिए होते तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारतीय सिलेक्टर्स ऋषभ पंत को ही कीपर रखेंगे। बता दें कि पंत अपने एक्सीडेंट के बाद पहली बार भारतीय जर्सी में उतरे थे लेकिन उनकी बैटिंग से लग नहीं रहा था कि इस ब्रेक से कोई अंतर आया है। पंत ने अपने तमाम ट्रेडमार्क शॉट से सजी इस पारी में 4 चौके और 4 छक्के जड़े। पंत की बैटिंग से ये फैंस काफी खुश दिखे। लोगों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस पारी की खूब तारीफ की। बता दें कि पंत ने एक्सीडेंट के बाद IPL 2024 से प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी की थी। उन्होंने इस सीजन में कमाल का खेल दिखाया। पंत ने IPL 2024 की 13 पारियों में 446 रन बनाए। ये रन 40.55 के एवरेज और 155.40 के स्ट्राइक रेट से बने। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।